अभव्य का यहाँ पर उदाहरण दिया हुआ है। अभव्य का ऐसा ही स्वयमेव स्वभाव होता है कि द्रव्य श्रुत का ज्ञान आदि जो भी बाह्य कारण उसको बहुत मिलता है। द्रव्य है, श्रुत है, द्रव्य श्रुत का उसको ज्ञान है, जो श्रुत ज्ञान 9.5 पूर्व तक का उसके पास ज्ञान है, फिर भी वो ज्ञान लेता भी है, ले भी सकता है, फिर भी वो शुद्ध आत्मा के ज्ञान का उसको कभी भी भाव नहीं आएगा। कर्म के उदय को भोगने का स्वभाव वो कभी भी नहीं बदलेगा, बराबर। तो यहाँ ये बताया कि शास्त्रों का ज्ञान होने के बावजूद भी जब तक आत्मा को शुद्ध आत्मा का ज्ञान नहीं होता तब तक वो अज्ञानी ही है, तब तक वो नियम से भुगता ही है। अब ज्ञानी की बात है, वो तो कर्मफल का अवेदक ही है, ऐसा नियम। अब ये कर्म फल, जो भी फल हो रहा है, कर्म उदय में आ रहा है, उसका जो फल है उसका वो अवेदक है। अब ये वो कर्म के फल को वापस वो प्राप्त हो ऐसे बंधन में वो कभी नहीं बांधेगा। उसकी गाथा है, ये निर्वेद ने पामेल ज्ञानी, कर्म फल ने जान तो। अब वो जो ज्ञानी है वो निर्वेद को प्राप्त कर चुका है, अब उसको नया भव नहीं चाहिए। मतलब ना उसको अभी पुरुष का वेद चाहिए, ना उसको स्त्री वेद चाहिए, ना ही उसको नपुंसक वेद चाहिए। तो अब वो अगर मुझे ये किसी तीन में से कोई वेद मुझे नहीं चाहिए, तो मैंने निर्वेद को प्राप्त किया, मैंने निर्वेद की इच्छा जाहिर की, सीधी बात है। तो ऐसा ज्ञानी है वो कर्मफल को नहीं जानता है। कड़वा मधुर बहुविध ने तेथी अवेदक छेय हो। अब वो फल का कड़वा फल आएगा इसका रिजल्ट, या मीठा आएगा, या बहुविध आएगा, उसको कैसा भी आएगा वो उसको नहीं जानता है। उसको उससे कोई लेना देना ही नहीं रख रहा है। वो अपने आप को उससे कट दे रहा है, बराबर। उससे वो अपने आप को अलग कर रहा है, इसीलिए वो अवेदक हो गया है। निर्वेद प्राप्त वैराग्य को प्राप्त हुआ ज्ञानी इस तरह के मीठे कड़वे आदि बहु फल कर्म फल को जानता है, वो जान चुका है, और उसको नहीं चाहिए वो भी वो मान चुका है, ये मेरा नहीं है, वो जान चुका है, इसलिए वो अवेदक है। आपको यहाँ ये जानना है कि श्रेणी के राजा ने जब हरिणी का शिकार किया, तब उन्होंने ये मैंने किया एक अहंकार किया था कि देखो मैंने एक तीर से 2 शिकार किए, देखो मेरी बाण कितने शार्प है, कितनी पावरफुल है, मेरे में कितनी ताकत है, और वो बिल्कुल खुश हुए थे। यही कारण था जो उन्होंने नारकी का बंद किया उसी वक्त उसी संबंध से। क्योंकि तब तक वो ये कर्म के उदय को नहीं जानते थे, वो उदय था नरक गति का बंद हो ऐसा कर्म का उदय था, पापानुबंधी पाप का उदय चल रहा था, बराबर। सम्यक दर्शनी है, नरक में जाना है तो उसके योग्य अशुभ कर्म भी तो उनके हाथ से होना ही है, और उन्होंने ये कर्म कर दिया, अहंकार कर दिया, क्योंकि ये मैंने किया, उन्होंने ये बोला कि ये मैंने किया, बराबर। तो वो प्रकृति स्वभाव को उन्होंने, फल को उन्होंने वेदन किया, और उदय के कारण वो पापानुबंधी पाप नरक गति के उदय के कारण वो बिल्कुल परवश हो गए थे, उसको ये सूझबूझ ही नहीं रही। नहीं तो आप सोचो तीसरे ही भव में मोक्ष जाने वाले क्षायिक समकीति ऐसे श्रेणिक राजा, तीर्थंकर का जीव, और क्या ऐसे जीव को मार के खुश होगा एक भव से पहले ही खाली? बोलो, है संभव? क्यों ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि वो प्रकृति स्वभाव के अंदर थे। जो एक उनका आने वाला भव जो नरक में उनको जाना था, वो नरक गति का के अनुरूप कर्म बंद होना जरूरी था। श्रेणिक राजा को अपने इसी भव में नरक गति योग्य कर्म बंद करना जरूरी था,
वो उदय में आना ही आना था, वो उदय में आया और उन्होंने उसका वेदन किया। बराबर, ज्ञान होने के बावजूद, ज्ञान होने के बावजूद क्योंकि वो इस कर्मफल से विरक्त नहीं थे तब। अगर आप विरक्त हो जाओ तो उसको सेवन करते हुए भी नया भोग नहीं करोगे, नया बंध नहीं करोगे, परवशता से उसको भोगोगे। स्वयं तो वो कभी भी ऐसे प्रकृति स्वभाव को भोगेगा नहीं, और उदय की बड़जोरी में वो परवश हो गया। उनकी इच्छा नहीं है, सम्यक दर्शन आ गया है लेकिन चला गया, तो अब उनकी इच्छा नहीं हो तब भी वो उस प्रकार की प्रकृति स्वभाव को होने देंगे। बराबर, या खुद उसका निर्माण करेंगे, खड़े होंगे। और यही कारण है कि ज्ञानी अभोक्ता है, ज्ञानी कोई कर्म का भोग नहीं कर रहा है और बंध भी नहीं कर रहा है। ज्ञानी कर्म को नहीं करता और वेदन भी नहीं करता। कर्म का स्वभाव को वो मात्र जानता है कि ये वेदना देने वाला है, तो भी वो शांत होके वो उसके स्वभाव को अपना लेगा, होने देगा, कर्म का वेदन वो होने देगा। आओ, अब करण और वेदन की बात है। करने, करण यानी करने का कार्य, कार्य करना, और वेदन यानी उसको भोगना। बराबर, करण, करण का अर्थ है कर्म करना, और वेदन यानी जो किया हुआ कर्म है उसको भोगना। अब उसके अभाव है यहाँ, इसलिए शुद्ध स्वभाव में निश्चल ऐसा आत्मा मुक्त ही होता है। आओ, ज्ञानी कर्म का स्वाधीनता के रूप में कर्म भोक्ता, कर्ता भोक्ता होता नहीं है, लेकिन मात्र ज्ञाता है। ज्ञानी की बात है, सम्यक ज्ञानी की, और वो केवल शुद्ध स्वभाव रूप हो चुका है, इसलिए अब वो मुक्त भी हो गया है। कर्म उदय में आते हैं लेकिन उसे भी ज्ञानी को कोई रति अरति नहीं होती है उसके प्रति। बराबर, आओ 319। नवी कुंडवई नवी चेयई जानी नानी कम्माईम पहु पयाराईम जानई पुन्न कम्म फलम बंधम पुण्यम च पावम च। नापी करोति नापी वेदते ज्ञानी कर्माणि बहु प्रकाराणि जानाति पुनः कर्म फलम बंधम पुण्यम च पापम च। आओ, अब कर्मफल की यहाँ बात हुई है, कर रहे हैं। गाथा 320। दिट्ठी जहेवनानं अकार्यं तह अविदयं चेव जानय मो बंधमोक्षं कम्मुदयं निज्जरं चेव। करतो नथी नथी वेद तो ज्ञानी कर्म बहुविध ने, बस जान तो ए बंध ते मज कर्म फल शुभ शुभ ने। वो कोई कर्म नहीं कर रहा है इसलिए वेदन भी नहीं कर रहा है, लेकिन उसको ये पता है कि ये जो कर्म बंध है वही कर्म फल शुभ और अशुभ देने वाला होता है। इसीलिए जब तक निर्बलता
आप निर्बल रहोगे तब तक कर्म जोर चलाएगा, और आप क्रम से सबल बनते जाओगे, जैसे जैसे सबल बनते जाओगे वैसे वैसे ज्ञानी उस कर्म का निर्मूल नाश कर देता है। ज्ञानी बहु प्रकारना कर्मोने पण नथी करतो, वेद तो पण नथी, અને કર્મબંધ અને કર્મફળને તે જાણે છે એટલે તે પોતાના એ સમજતો પણ નથી। કર્મ ચેતના રહિત હોને કે કારણ, ખુદ અકર્તા હોને કે કારણ, ઓર કર્મફળ ચેતના રહિત હોને કે કારણ, ખુદ અવેદક અભોક્તા ભી હોને કે કારણ જ્ઞાની કર્મ કો નહીં કર રહા ઓર ઉસકા વેદન ભી નહીં કર રહા। परंतु ज्ञान चेतना में तो है ही, इसलिए केवल ज्ञाता ही है आत्मा। और वो शुभ अथवा अशुभ कर्म बंध को तथा कर्म फल को भी मात्र जानता है। अब यहाँ ये आ गया, ज्ञानी कुछ नहीं करता ना कुछ भोगता है, मात्र जानता है। जेम नेत्र तेमज ज्ञान नथी कारक नथी वेदक, अरे जाने ज कर्मोदय निर्जरा बंध तेमज मोक्ष। दृष्टि यथैव ज्ञानम अकारकम तथा वेदकम चैव ज्ञाना जानाति न बंध मोक्षम कर्मोदय निजरा चैव। जैसे नेत्र दृश्य पदार्थों को नहीं वो करता है नहीं भोगता है, आंखें किसी भी पदार्थ को देखती है तो वो ना वो उसकी करता है ना ही उसकी भोगता है, वो देखता है आंखें देखती है लेकिन फिर भी करता भी नहीं और भोगता भी नहीं। बराबर इसी तरह ज्ञान भी अकारक है तथा अविदक है, बंध मोक्ष निर्जरा तीनों को वो जानता है, तो कर्मोदय को भी वो जानता है दिखता भी है लेकिन वो कर्म का कारक नहीं हो सकता। नेत्र दृश्य पदार्थ को ना करता है ना वेदता है, केवल दर्शन मात्र स्वभाव रख रहा है। इसी तरह ज्ञान भी नेत्र की तरह मात्र दर्शन मात्र स्वभाव रखता है। कर्म से वो अत्यंत भिन्न है इसीलिए वो ना वेदने में समर्थ है ना करने में समर्थ। बराबर ज्ञान का स्वभाव नेत्र की तरह ही दूर से जानने का है, माटे करना भोगना वो दोनों ज्ञान नहीं। ज्ञान ना करता है ना भोगता, ये करना और भोगना दोनों अज्ञान है। अज्ञान ही करता भी है और भोगता भी है, सुख दुख राग आदि का वो करने वाला भी है, परिणमन करने वाला है, भोगने वाला है। तो मोहनीय कर्म का जब तक उदय है तब तक ही सुख दुख राग आदि का परिणमन होता है, और जब तक दर्शनावरण और ज्ञानावरण और वीर्यांतराय का उदय है वो भी मोहनीय ही हो गया। जब तक ये तीनों का उदय है तब तक वो अदर्शन अज्ञान और असमर्थ होता है। अज्ञान और अंधकार ही आच्छादित होने के कारण आत्मा को वो कर्ता मानता है, और उसको मोक्ष के इच्छा होने के बावजूद वो सामान्य जनों की तरह उनका मोक्ष नहीं हो सकता। बराबर आओ 321-22-23 का था। लोयस कुंडी विनहु सुरणा रयतिरीय मानुष से सते
समणान पीय अपा जदी कुवदी छवी है काहे काए लोय समणान मेयम सिद्धंतम जय जयीन दिस दिवी सेसो लोयस कुणई विनहु समणान वी अपो कुणदी एवं नको वी मुखो दिसदी लोय समणान दुणही पी निच्चं कुवंतानं सदेव मनुया सुरे लोए आओ लोकस करोति विष्णु सुरनार कतीर्य गानुशान सत्वान श्रमणानामपि चात्मा यदि करोति संगीधान कायन लोक श्रमणा नामेकं कह सिद्धांतो यदि न दृश्यते विशेष लोकस्य करोति विष्णु श्रमणा नाम अध्यात्मा करोति एवं न कोपि मोक्षो दृश्यते लोक श्रमणा नाम द्वयेषामपि नित्यं कुर्वन्तां सदैव मनुजासुरान लोकान आओ जेम लोक माने देव नारक आदि जीव विष्णु करे। देखो सामान्य लोग क्या मानते हैं कि देव गति नरक गति आदि सारा जीव विष्णु करे। लोक के मत में यही बात है कि तिर्यंच मनुष्य प्राणी आदि का जो विष्णु है भगवान है वही ये सब करता है। इसी तरह श्रमण भी माने नहीं आत्मा करे षटकाय में। श्रमण और मुनियों के मंतव्य में भी छ काय के आत्मा करे षटकाय ने छ काय जीवों को आत्मा करता है। बराबर आत्मा ही ये छह काय को करता है ऐसा श्रमण मानते हैं। जैसे लोक मानता है कि मनुष्य देव आदि भव विष्णु करते हैं ऐसे आत्मा इस षटकाय को करने वाला है। तो लोक मुनि सिद्धांत एकज भेद तेमा नव दिशे तो लोक जो कह रहे हैं मान रहे हैं वो सिद्धांत या जो मुनि जो कह रहे हैं वो सिद्धांत दोनों एक ही हो गया। उसमें कोई भेद नहीं रहा दिख रहा है। विष्णु करे जम लोक मतमा श्रवण मत आत्मा करे ए रीत लोक मुनि उभयनो मोक्ष कोई नहीं दिसे। तो दो में से किसी का भी मोक्ष नहीं होने वाला लोक का भी नहीं होने वाला मोक्ष मुनि का भी नहीं होने वाला। क्यों? क्योंकि दोनों ये मानते हैं कि ये सब आत्मा कर रहा है। लोकना लौकिक जनों के मत में देव नारक तिर्यंच मनुष्य प्राणियों को विष्णु करते हैं। अगर श्रमणों के मंतव्य में भी ये छह काय के जीव छह काय जो षटकाय है वही जीवों को आत्मा करने वाला है ऐसा मत हो गया तो दोनों गलत है। लोक और श्रमण दोनों का एक ही सिद्धांत है उसमें कोई फर्क नहीं दिख रहा है। लोक के मत में विष्णु कर रहा है श्रमणों के मत में वो आत्मा कर रहा है। ये हकीकत में कौन कर रहा है? प्रकृति का स्वभाव। जो आत्मा को ही कर्ता के रूप में देखते हैं और मानते हैं ऐसे लोकोत्तर हो तो भी लौकिकता के को अतिक्रमते नहीं है। जीव आत्मा ने कर्ता माने छे तो भले मुनि थया होय तो पण ए लौकिक जीवाज छे कारण के लोक ईश्वर ने कर्ता माने छे मुनि आत्मा ने कर्ता माने छे तो बन्ने गलत बन्ने नी माने तो एक जीवी थई गई। बराबर तो आ भी रीतनी मान्यता मां कोई ने पण मोक्ष नथी नथी लौकिक जननो मोक्ष नथी मुनिओनो मोक्ष। बराबर के केम के जे करता थसे ए कार्यना फळने भोगवशे ज अने जे फळ भोगवशे तो एने मोक्ष क्यांथी? बराबर खुद करता तो कर्मनो फळ तमे भोगवशो ज भोगवशो।
પછી મોક્ષ તો થવાનું જ નથી. પરદ્રવ્યના આત્માને કોઈ પણ સંબંધ હોતો નથી, માટે કર્તા કર્મનો સંબંધ પણ નથી. કરતા કર્મનો સંબંધનો જ અભાવ થઈ ગયો તો આત્માને પરદ્રવ્યનું કર્તાપણું આવ્યું ક્યાંથી? નહીં આવ્યું. પરદ્રવ્યના આત્માને કંઈ જ સંબંધ નથી. બરાબર છે. અચ્છા, તો હવે આજે જરા ક્લાસ અહીંયા જ બંધ રાખીએ છીએ. બાકી કાલે તો આવો. જય જીનેન્દ્ર. ત્રણસો ને ગાથા થઈ 327 સુધી ગાથા થઈ. જય જીનેન્દ્ર.